वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए कब और कैसे किया जाएगा बंटी और बबली 2 का ट्रेलर रिलीज। कैसी है मनोज वाजपेयी की फिल्म साइलेंस का ट्रेलर? सलमान खान ने राखी सावंत को क्या सलाह दी? अब सोनू सूद से फैन ने क्या मांग कर दी? कोरोना के नियम तोड़ने पर गौहर खान को एक बार फिर लगा झटका। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सोशल मीडिया के जरिए ये खबर तो पहले ही आ चुकी है कि अभिनेता सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की फिल्म बंटी और बबली 2 की शूटिंग शुरू कर चुके हैं दोनों। वहीं अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि फिल्म के ट्रेलर रिलीज के लिए एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है, जिसका हिस्सा सलमान खान भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर 23 मार्च को रिलीज किया जा सकता है, जिसके लिए सलमान खान को चुना गया है। दरअसल ट्रेलर को यशराज प्रोडक्शन सलमान खान के जरिए लाइव लॉन्च कराने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि पहले ट्रेलर रिलीज को थिएट्रिकल प्रोमो सामने रखने का प्लान किया गया था, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देख इसे ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज वाजपेयी हर बार अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से उनके फैंस को काफी झटका लगा था, लेकिन अब मनोज वाजपेयी के फैंस को काफी खुशी होगी क्योंकि उनकी आने वाली वेब फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। Z5 पर स्ट्रीम होने जा रही कॉप ड्रामा फिल्म में मनोज वाजपेयी के साथ प्राची देसाई और अर्जुन माथुर जैसे सितारे भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ट्रेलर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये एक अनोखी इन्वेस्टिगेटिव मर्डर मिस्ट्री फिल्म है। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत रियलिटी शो बिग बॉस 14 से निकलने के बाद लगातार सुर्खियों में हैं। इन दिनों उनकी मां कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं। राखी सावंत सोशल मीडिया पर मां की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर उनकी तबीयत के बारे में भी फैंस को बताती रहती हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बिग बॉस के होस्ट सलमान खान और उनके भाई सोहेल खान राखी सावंत की मदद के लिए आगे आए। अब राखी ने सलमान खान को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल राखी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान ने उन्हें मदद के बारे में किसी से ज्यादा बात न करने की सलाह दी है। वैसे सलमान का अंदाज ऐसा ही है, वो अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर हैं, लेकिन उसके बारे में पब्लिकली डिस्कस करना पसंद नहीं करते। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने वाले अभिनेता सोनू सूद आज सभी के लिए मसीहा बन चुके हैं, और आज कोई भी उनसे कुछ भी कहता है तो सोनू उसे बिना सोचे समझे पूरा कर देते हैं। लेकिन अब एक फैन ने उनसे ट्विटर पर अपनी शादी कराने की मांग की है, और उसके जवाब में एक्टर ने भी काफी मजेदार जवाब दिया है। अभिनेता के ट्विटर पर राज श्रीवास्तव नाम के यूजर ने उनसे शादी कराने को लेकर सवाल करते हुए लिखा, आप शादी करवा देंगे क्या सर? एक्टर ने मजेदार प्रतिक्रिया देते हुए जवाब में लिखा, क्यों नहीं, शादी के लिए मंत्र भी पढ़ दूंगा, बस लड़की ढूंढने का कष्ट आप कर ले। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद होम क्वारंटीन के नियमों को न मानने को लेकर मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज गौहर खान के इस लापरवाही रवैये से नाराज होकर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। FWICE ने कहा है कि 2 महीने के लिए हमारे सदस्य उनके साथ काम नहीं करेंगे। FWICE के प्रेसिडेंट BN तिवारी, जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे और मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने संयुक्त प्रेस रिलीज में कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद गौहर खान का इस तरह से होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करना बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया है। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।